अस्सलाम-ओ-अलैकुम व्यूअर्स, कैसे सब ठीक है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नई व्लॉग के साथ। आज हम एक और नई जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो इस्लामाबाद की बहुत ही करीब और बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो हमारे साथ रहिए और जो लोग भी चैनल पे न्यू है वो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ श्रीनगर हाईवे पे और पाइन सिटी जाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे दामन-ए-कोह। ये अभी दामन-ए-कोह रोड पे हम शिफ्ट हो रहे हैं। ये अभी हम दामन-ए-कोह का जो व्यू पॉइंट है उधर पहुंच गए हैं। तो ये व्यू पॉइंट भी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो अभी हम इंशाल्लाह यहाँ से जाएंगे मोनाल। मोनाल से फिर आगे डायनो वैली। धुंध है तो बस धुंध की वजह से आज फैसल मस्जिद और नीचे का जो नज़ारा है वो इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा है। ये अभी हम मोनाल पहुंचने वाले हैं। ये है मोनाल। मोनाल से आगे फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे डायनो वैली और डायनो वैली से आगे इंशाल्लाह जो है ना फिर आता है पाइन सिटी। इधर से स्टार्ट हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा। वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा। अभी इससे आगे थोड़ा सा आगे जाके फिर डायनो वैली आता है। डायनो वैली से आगे फिर जो है ना संगला बाज़ार से थोड़ा सा आगे फिर लेफ़्ट साइड की तरफ जो है ना रास्ता जाता है पाइन सिटी की तरफ। ये अभी हम क्रॉस करने लगे हैं डायनो वैली। डायनो वैली इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर बड़े बड़े डायनोसॉर हैं। फैमिली पार्क है बहुत बड़ा, तो आप लोग यहाँ बच्चों को भी लेके आ सकते हैं। ये सामने आप लोग देख सकते हैं डायनोसॉर ने गाड़ी को मुंह में उठाया हुआ है। इसी रोड पे सजिकोट वाटरफॉल तक कोई ऐसा वाटरफॉल नहीं है जो रोड की इतने करीब हो। अभी हम संगला बाज़ार को क्रॉस करने लगे हैं। ये है संगला बाज़ार का मेन बाज़ार। तो हम सीधे जाएंगे और ये राइट साइड पे जो रास्ता नीचे की तरफ उतर रहे हैं ये जा रहे हैं नीला बूतू, जिसे संडा पत्थर भी कहते हैं। वो भी बहुत मज़े की जगह है। पाइन सिटी जाते हुए बस ये आखिरी बाज़ार आता है मखनियाल। ये मखनियाल का बाज़ार क्रॉस करके लेफ़्ट साइड पे जो नीचे की तरफ रास्ता जाता है तो वो जाता है पाइन सिटी की तरफ। कुछ लोग पाइन वैली भी कहते हैं, पाइन सिटी भी कहते हैं। अब मौसम भी ऐसा है कि सर्दियों का एंड है, तो 10 तारीख है आज। हो सकता है कल रोज़ा हो। ये सामने लेफ़्ट साइड पे जो रोड जा रही है नीचे की तरफ, ये पाइन सिटी की तरफ जा रही है। अस्सलाम-ओ-अलैकुम संगले चाचा जी। खैर है, ठीक ठाक है। अस्सलाम-ओ-अलैकुम, क्या है, ठीक हो? आवाज़ ही कैसा लगा? उन्होंने आवाज़ ही हमें الخير ده برابر وباش تيلاند كنا ديري دي كنا ذا شكر ده تبارك मैं इधर बहुत ज़्यादा आता रहता हूँ। मुझे पर्सनली ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। नीचे वाटरफॉल तक जितना भी काम हुआ है ये इन्होंने खुद किए हैं। काफ़ी सारे पौधे लगाए या फूल लगाए। चूँकि अभी तो सर्दियाँ हैं, गर्मियों में आओ तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। ये मेन रोड से जो ये रोड है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर होगा, लेकिन नीचे वाटरफॉल तक ये रोड बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत साफ़ सुथरी रोड है। जगह जगह इसके ऊपर बैठने के लिए भी जिस तरह ये है बनाए गए हैं। ये हम पाइन सिटी पहुंचने वाले हैं। ये रोड भी जाती है, लेकिन मैं इस साइड से जाता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल एंड है जहाँ से ये पानी उधर जा रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी पुरसुकून जगह है। जगह जगह बैठने के लिए बेंचेस वगैरह भी बनाए गए। यहाँ ये फिर पानी है। ये ऊपर मेरे ख्याल से 3 जो वाटरफॉल है तो ये इन्होंने खुद बनाए हैं, और जो कुदरती वाटरफॉल है वो बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल एंड पे। तो वो भी आप लोगों को नीचे उतर के दिखाते हैं। ये इधर नीचे होटल भी बने हुए हैं, आप लोगों को खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती है। ये जो नीचे की तरफ जा रहा है ये नीचे वाटरफॉल की तरफ जा रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। नीचे उतर के आप लोगों को ये भी विज़िट कराते हैं। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं जगह जगह बैठने के लिए भी इंतज़ाम किया गया है। बहुत पुरसुकून जगह है माशाल्लाह।